शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। घर का नंबर दिया है हमने, बस हमारा भरोसा मत तोड़ना, वरना फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। नहीं तोड़ेंगे। उसने भी तुम्हारी जिंदगी में आग लगाई है, उसकी दुनिया तबाह कर देंगे हम। तमाशा बहुत जोरदार हुआ है, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। और आप चिंता मत करिए, हम भी आज गोरखपुर छोड़ रहे हैं। वो कभी भी अपना सच साबित नहीं कर पाएगी। बाप तो बेचारा खत्म हो गया है, अब अपनी ताऊजी की नाक कटाने पर तुली हुई है। ये क्या? आपने खाना छुआ भी नहीं। हमें भूख नहीं है, ले जाओ इसे। एक रोटी तो खा लीजिए। जिद मत करो चंद्रा, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आप परेशान, लेकिन ऐसा गुस्सा खाने पे नहीं उतारते। आप नहीं खाएंगे तो हम। अरे हमने कहा ना हमें नहीं खाना। लाओ हम उठा दें। नहीं जी, ताऊजी हमसे बहुत गुस्सा है क्या? जो कुछ भी हुआ उसको लेकर परेशान जरूर है, सबने से कुछ नहीं कहा। श्रवणी जवान लड़की ना, शीशे की छवि के जैसे होती है, एक फूंक भी मारी ना तो शीशा धुंधला हो जाता है। जो कुछ भी साबित करना है ये गलतफहमी दूर करनी है, जल्दी करो। तुम्हारे ताऊजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें टूटने मत देना। और ये बात याद रखना कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। नमस्ते भैया जी। मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है ना, कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम। हमें यहाँ के सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। सीसीटीवी फुटेज? क्यों, कैमरा तो लगे ना यहाँ पे? जी भैया, जब कैमरे लगे हैं तो फुटेज भी होगा। कल किसी ने हमारे यहाँ फोटो खींची है और हमें यह जानना है किसने खींची है। जी भैया, अभी लाके देता हूँ। जल्दी करो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आज हमारी वजह से ही हमारे परिवार वालों का सर झुक गया।
हमने जी तोड़ के मेहनत की अपने सपनों के लिए, यहाँ पे जान दी है ना, और अगर हम आज निर्दोष साबित नहीं हुए तो हमारे सारे सपने टूट जाएंगे। आज तक हमने पूरे मन से आपकी भक्ति की, हर परीक्षा में आपने हमारा साथ दिया है, हमें सफल बनाया है। इस परीक्षा में भी आपको हमें पास कराना ही होगा। आप भी जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। हम पे लगा ये कलंक आपको मिटाना ही होगा। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। इस दिए के साथ हम तब तक जलते रहेंगे जब तक आप हम पर लगा दाग मिटा नहीं देती। चल जाएगा बेटा, देख तो लौ कितनी तेज हो रही है। भाभी आप बोलिए नहीं से। शमनी क्या जिद है ये? सिद्ध नहीं बिनती है। हम भी देखते हैं एक माँ अपनी बेटी की बिनती कब तक नहीं सुनती है। शमनी आप लोग आगे मत आइएगा, आप लोगों को हमारी कसम है। भैया बड़े जल्दी में लग रहे। तुम कौन हो? सवाल अच्छा करते हो तुम। अबे फोटो खींचे हो तुम हमारे फेस का, भूल गए? ये तुम ही हो ना, हाँ? फोटो खींचोगे हमारा? फोटो खींचोगे हमारा? भैया हम तो माफ कर दिया, हमारा कोई गलती नहीं है भैया, हमको बस पैसे का जरूरत था भैया, हमने इसलिए किया। किसने दिए पैसे तुमको? बोलो किसने दिए पैसे? भैया हम उसको देखे तो नहीं है क्योंकि अपना चेहरा ढका हुआ रहता है, बस इतना पता है हमें कि वो लाल कलर के दस्ताने पहनता है बस। हमसे नहीं देखा जाएगा। चरित्र है इस लड़की में कि क्या बताए, अपनी गलती को भुनाना तो कोई इससे सीखे। छोड़ो हमें क्या। ओह हमें लेट हो रहा है।
लाल दस्ताने और कुछ हुलिया पता है उसका? और कुछ नहीं पता भैया। अबे अगर तुमने हमसे झूठ बोला ना तो तुम्हारा फोटो फ्रेम लगवा देंगे माला के साथ। ये उसी का फोन है? जी भैया। उठाओ। हेलो। हाँ, गोरखपुर से जाने के पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जरूरी काम। ठीक, क्या बोला उसने? ये जी, आधे घंटे में रुस्तमपुर चौराहे को बुलाया। चलो जरा हम भी देखते हैं किसने हमारी मुनिया को रुलाया, उसका तो हम वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर रोएगा। क्या जगह है ये और वो कहाँ है? हमें देख लीजिए, अगर हम एन मौके पर मैसेज ना करते तो आज आपका नंबर था, बचा लिया हम आपको। अब इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दाम लगेगा। अब आप निश्चिंत होकर जाइए, हम देख लेंगे। अरे 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 अरे, क्या हुआ बबुआ? उठो उठो उठो। यार बहुत जल्दी देर हो गए तुम। हाँ थो थो, वहां तो बहुत हाथ चल रहा था है। पहलवान जी, अरे एक ठलाक बहुत जोरदार।
नंबर इसमें सेव कर दो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। कल का आने वाला सवेरा तुम्हारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देगा। हेलो, लड़का हीरो बन रहा था चश्मा लगा के। बोल। अरे हम खींचे तुम्हारा फोटो, क्या कर लोगे बे? हमको धमकी दे रहा था, हमको अधमरा तो हो ही गया है, फेंक दो यही गोदाम में। वैसे भी अगली फसल तक तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे, तब तक तो ये पहचानने लायक नहीं बचेगा। भरोसा करो हम पर, हमने नहीं किया ये सब। एक मौका दे दो हमें इस गलती को सुधारने का। हमारी वजह से उसकी जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा, हमें उसे बचाना होगा, हमें उसे ढूंढेगा। उसने कहा था कि वो कोई अनाज के गोदाम में, पर गोरखपुर में तो कितने गोदाम है, कैसे पता करें कि वो कौन से गोदाम में है? माता रानी, अब एक और निर्दोष मुसीबत में, अब आपको ही कोई रास्ता दिखाना होगा। रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। नरेंद्र मिश्रा जी के तरफ से 1001 रुपया का चढ़ावा आया है। शिव मंदिर समिति रुस्तमपुर उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। रुस्तमपुर जो शिव मंदिर के पास है वो गोदाम। अम्मा अम्मा देखो ना कैसा लग रहा है, कॉलेज के पहले दिन हम यही पहन के जाएंगे। अम्मा देख तो लो, बताओ ना। घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए फिर भी स्वादिष्ट ही लगता है। अम्मा। अरे तू जो भी पहनेगी वो सुंदर ही लगेगा। अम्मा जी आपकी कोई बात हुई क्या शिबू से? हम कब से फोन मिला रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा और अब तो फोन बंद भी आ रहा है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। माँ आप ना बहुत चिंता करती है, हमको पता है वो मजनू भैया के साथ हमारे दाखिले के चक्कर में कहीं ना कहीं चले गए होंगे। आप इतना चिंता मत करिए। भैया जी, अरे ओ सुप्पू भैया। चाची पाए लागू, चाची हरी जी पाए लागू। दादी जी। चाची भैया कहाँ है? मतलब तुम्हारे साथ नहीं है? हम सबको तो लगा था कि तुम्हारे साथ है। नहीं तो हमारे साथ तो नहीं है। कई घंटों से कुछ पता नहीं है। क्या हमको ढूंढ रही है? अरे तू उसे रोक के रखो वहां पे, हम अभी आते हैं। जाने मत देना उसे, हम आते हैं। अम्मा जी एक फोन आया था उसे और उसने ना आओ देखा ना ताओ बस चला गया। शाम होने को है और उसकी कोई खबर नहीं। हमें बहुत घबराहट हो रही है अम्मा जी। अरे मजनू तू साथ क्यों नहीं गया? रे साथ साथ में रहना चाहिए ना, जा उसे ढूंढ के ला। नहीं तो उसके साथ नहीं आया ना तो चमार दूंगी एक। जी अम्मा अभी लाते हैं। जा भैया अब क्या करें इसका?
करना क्या है, ला बोरी लाओ, ला इसको बोरी में डालो, फेंक दो यही गोदाम में, दम घुट के अपने आप ही मर जाएगा। भरोसा करो हम पर, हमने नहीं किया ये सब, एक मौका दे दो हमें इस गलती को सुधारने का। तो जोरदार गांठ, सांस भी ना आए। क्या करें शिवांश, शिवांश का जैकेट है। तो हमारे ये यहां कैसे, शिवांश 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 वो इनमें तो नहीं, इसमें भी गेहूं है। भगवान कहां ढूंढे उसे, इतनी बोरियां इनमें से किस में होगा, वो पता नहीं किस हालत में है। शिवाज अब कहां उसे ढूंढे, यहां भी नहीं है।
शिवांश, शिवांश। शिवांश, शिवांश, शिवांश आके खोलो, शिवांश। भाभी, ओ भाभी, क्या हो गया? सब ठीक तो है? वही तो हम देखने आए हैं कि बिटिया सड़क पे बदहवास भागी जा रही थी, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ है। बीती तो? अरे अपनी श्रवणी बिटिया। क्या? श्रवणी? और नहीं तो क्या, रोती हुई बाल बिखरे सरपट भागी जा रही थी, तभी हमने सोचा कि पूछे कि हवेली में सब ठीक तो है ना। देखो चाहे आपको बुरा ही लगे, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगा। चार लड़के यहाँ वहाँ से ताकने लगे। श्रवणी कहाँ है? यहीं पर मंदिर में पूजा कर रही थी थोड़ी देर पहले, और नहीं दिखी तो हमको लगा कमरे में होगी अपने। कहाँ गई होगी श्रवणी? और कहाँ गई होगी, उस लड़के से मिलने गई होगी। मौका जो मिल गया। स्वीटी, मौका तो तुमको भी मिल गया जलीकट्टी सुनाने का, चुप रहो तुम। मौका तो उसने ही दिया है ना पापा, अब हमें चुप कराएंगे। अरे इन मोहल्ले वालों को कैसे चुप कराएंगे आप? हाँ, हम सब तो यही पे है ना पापा, तो वो किसके लिए इतनी बेचैनी से भागी है? स्वीटी, बेटी अभी तक घर नहीं आई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी घबरा जाओगी कि तो डॉक्टर कैसे बनोगी? तुमने इसकी हालत देखी है? इसको देखो कितनी चोट लगी है। शिवान, इसकी जान बचाना चाहती हो? हाँ, लेकिन कैसे, क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। इसकी हालत हमारी वजह से हुई है, अगर हमने कुछ किया और गलती से नहीं। शिवान, आगे खोलो। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो, और फिर सोचो कि ऐसे समय में एक डॉक्टर क्या करेगा। हम जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, अगर इमरजेंसी में शॉक के कारण इंसान के खून का दौरा रुक जाता है तो नब्ज कमज़ोर हो जाती है और कभी कभी बंद भी हो जाती है। ऐसे में अगर पेशेंट को ठीक करना है तो CPR से कर सकते हैं। शिवाज, शिवान,
शिवान जाके बोलो शिवान 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 जाके खोलो शिवान जाके खोलो शिवान 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 जाके खोलो खोलो शिवान तुम सुधरोगे नहीं ना अगर तुम ऐसे ही अपनी गोद में प्यार से लटाकर समझाओगे ना सुधर जाएंगे तुम पर बहुत चोट लगी है तुम घर कैसे जाओगे हम किसी को बुलाते हैं हमारा दोस्त मजनू 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 शिवांश 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 ये देखो अभी तक बिटिया नहीं आई है शाम हो गई अरे बेटा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है अरे बिटिया कहाँ थी श्रावणी कहाँ से आ रही हो तुम उसी लड़के के साथ थी ना हाँ उसी के लिए ऐसे सरपट भागी थी ना बोलो ओ, हम क्या हुआ बोलोगी कि नहीं देख लीजिए पापा आपकी आदर्शवादी लड़की क्या गुल खिला रही है हमारे सर की कसम खा के खाओ तुम सच में उस लड़के से मिलने गई थी जी वो हम गए थे लेकिन देखा सुकलाइन सुना सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के नाम पे खानदान की कैसी इज्जत पे बट्टा लगा रही है अरे बस कीजिए आप लोग बस कीजिए अरे आप लोगों ने एक बार भी पूछा कि हम किस हालत में लौटे हाँ गए थे हम मिले हम उससे मदद कर रहे थे उसकी इंसानियत के खातिर क्योंकि उससे जरूरत थी हमारी कोई गलत काम नहीं किया है हमने अरे आप लोगों ने कुछ तस्वीरें क्या देख ली कैसी कैसी बातें करने लगी यही है तुम्हारी हालत कैसी हालत हाँ अगर दुपट्टा नहीं है तो इज्जत कम हो गई हमारी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े वाह क्या बात है देखिए पापा आपकी आदर्शवादी बेटी को अब बड़ों से जुबान लड़ा रही है हम जुबान नहीं लड़ा रहे स्वीटी केवल अपनी बात रख रहे क्योंकि ये सिर्फ एक गलत फहमी है और हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े पर ताऊ जी अगर यहाँ बात सिर्फ बात वालों की होती तो हम चुप रहते
लेकिन यहाँ बात हम सब की है। माँ आप बताइए, क्या आपको भी हम पे भरोसा नहीं है? है बेटा। ताई जी, ताऊ जी, क्या आपको लगता है कि हमने कुछ गलत काम किया है? नहीं श्रावणी, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। श्रावणी, हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है बेटा। अरे बिटिया, ये समाज बिरादरी की बात है, अगर चार लोगों में रहना है ना तो चार लोगों की बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप लोग एक बात बताइए, इसने खुद कहा था ना कि अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाएगी तो पढ़ाई छोड़ देगी। तो कहां साबित कर पाई सच्चाई? मानिए या ना मानिए, इसके सर पे लगा हुआ कलंक अभी मिटा नहीं है। कल नाग पंचमी है और कल सुबह तक का इसने समय मांगा था, तो नाग पंचमी की पूजा से पहले पहले श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। और कौन है आप और सफाई क्यों दे? काफी देर से सुन रहे हैं आपको, लहजा संभालिए अपना। हमें श्रवणी पर पूरा भरोसा है, कोई सबूत की दरकार नहीं है। भाई साहब, हमें भी कोई शौक नहीं है किसी और के घर के मामलों में टांग अड़ाने का, लेकिन रहना तो इसी बिरादरी में सबको है ना। या तो मामला साफ कीजिए या समाज तय करेगा कि कल क्या होना है। समाज क्या तय करेगा और क्या करना है? मतलब यही कि मजबूरन हमको आपके परिवार का बहिष्कार करना पड़ेगा। कोई पानी तक नहीं पिएगा आपके यहाँ का। भैया आपको तो पता है ना कि खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदलता है। आज एक लड़की हद पार की है, कल दूसरी और करेगी, तब या तो श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो सजा की तौर पे अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। चलो। मतलब आप लोग धमकी दे रहे हैं हमें? भाभी कैसी बात कर रही हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, अपना समझ के समझा रहे हैं। अपने अपने बहु बेटियों की इज्जत को उछालते हैं? भाभी जब लड़की अपने हाथ से निकल जाती है ना तो कान पकड़ के उसको रास्ते पे लाया जाता है। कोई लड़की हमारे हाथ से नहीं निकली है और उसके कान पकड़ने की भी किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारी परवरिश पे पूरा भरोसा है। और रही बात आपके पानी पीने की, तो आपको पानी पिलाने का शौक भी किसी को नहीं है। ताई जी, हमें जो कहना था हम कह चुके, अब फैसला कल सुबह ही होगा श्रवणी बिटिया के सच के साथ। नमस्ते। नमस्ते। देखिए ना कितनी चोट लग गई है। लेकिन हुआ क्या है? कहीं से मार पिटाई करके आए हैं क्या? पता नहीं। ये किसी लड़की का दुपट्टा लग रहा है। किसका दुपट्टा है ये? मुंह में दही जमा लिया है क्या? बताता क्यों नहीं? लड़की के चक्कर में मार पिटाई की है क्या? हाँ? कौन थी वो? बता। वो भैया जी को एक लड़की पसंद आ गई थी। हाँ? उसे कहा? अम्मा जी, अम्मा जी होश आ गया। मेरा बच्चा,
शिवू, बाबू तू ठीक तो है ना? अरे अरे आराम से बेटा। टाइम क्या हुआ? 10 बज गए भैया जी। भरोसा करो हम पर, हमने नहीं किया ये, लेकिन जिसने भी किया है ना, कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम। बजरंग बली की सौगंध। अरे अरे बेटा, क्या क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? शुभ बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? दादी, हम किसी को जुबान दिए, हमें जाना पड़ेगा। उसी के जिसके चक्कर में पीट के आया हूँ। कान खोल कर सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा एक ही मकसद है, उस मकसद के बीच में लड़की कभी नहीं आनी चाहिए शिवू। नहीं अम्मा, हमारे मकसद के बीच में कोई लड़की नहीं आ सकती, लेकिन आज आज हमको माफ कर दीजिए। आज हम आपकी बात नहीं मान पाएंगे, हमारा जाना बहुत जरूरी है अम्मा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आखिर कौन है ये लड़की जिसकी वजह से आज भाई ने पहली बार अम्मा की बात अनसुनी कर दी? मानिए या ना मानिए, इसके सर पे लगा हुआ कलंक अभी मिटा नहीं है। नाग पंचमी की पूजा से पहले पहले श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। अरे बिटिया दूध थोड़ा बड़ा बर्तन लेके आना, आज नाग पंचमी है ना, भाभी ने बोला ज्यादा दूध देने के लिए। ताई जी, वो जरा दूर ले लीजिए ना, हमारे हाथ गंदे हैं। हाँ आई। ये देखिए ताई जी, हमने नाग देवता बना के सिंदूर से टेक दिया है, बस कच्चे दूध में धान की लाई मिलानी। हम माँ कह रही थी कि इसे पूरे घर में भी छिड़कना होता है, वरना असली के सांप आ जाते हैं। अरे हाँ, आज गुड़िया पीटने भी तो जाना है। हम अभी कपड़े की गुड़िया बना देते हैं, वरना देरी हो जाएगी। शवनी, क्या नाग पंचमी की पूजा के लिए लगी हुई हो? सारी औरतें पंचायत के लिए आती होंगी, तुम अपना सच साबित कर पाओगी ना? अगर नहीं कर पाए तो लोग हमें ही गुड़िया समझकर पीट के अपनी पंचमी मना लेंगे। त्योहार है आज ताई जी, हम भी देखते हैं भगवान हमारे साथ न्याय करता है कि नहीं। ठाकुर साहब, जी नमस्ते। आइए आइए, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माफ कीजिए भाई साहब, हम यहाँ कोई नाग पंचमी की पूजा में शामिल होने नहीं आए, हम तो यहाँ सिर्फ श्रवणी का सच जानने आए। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? बहुत गलत बात है, आपके घराने की लड़की से ये उम्मीद नहीं थी हमें। देखो बहना, या तो सच साबित कर दो, नहीं तो जो पहले से तय हुआ है वही होगा। भगवान, क्या सच में अपने सपने के इतने करीब पहुंचकर हम उसको खो देंगे? इतना बड़ा कदम मत उठाइए, हम विनती करते हैं। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। माँ, अब प्लीज हाथ मत जोड़िए। ताऊ जी, आप भी विनती मत कीजिए। अगर इन लोगों को यही सही लगता है तो ठीक
अगर आप लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो छोड़ देंगे। लेकिन अपने परिवार पर अब और कलंक लगने नहीं देंगे। लड़की बेकसूर है। असली गुनहगार कोई और है। लेकर आओ उसे। यह है असली गुनहगार। यही लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। शुभम, तुम अब जानती है इसे? ये इंस्पेक्टर, ये हमारे साथ स्कूल में था। बक्साई राम कहानी जी, वो स्कूल के टाइम से हम श्रावणी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। अरे, इसने कभी आंख उठाकर तक नहीं देखा हमारी तरफ। बहुत कोशिश की हम, लेकिन इसने कभी ध्यान नहीं दिया। बस इसीलिए हमें गुस्सा आ गया। तो तुम हमसे ऐसे बदला ले रहे थे, हमारी बेइज्जती करा के? श्रवणी, हमने जो भी किया गुस्से में किया, हमसे गलती हुई, हमें माफ करो। हमने देखा वो लड़का श्रवणी के कुछ ज्यादा ही आसपास मंडरा रहा था, लेकिन इसने बार बार उसे झटक दिया। बस मौका देखकर हमने इन दोनों की कुछ ऐसी फोटोज खींच ली जिन्हें हम बाद में दिखाकर इन दोनों को बदनाम कर सके और ये साबित कर सके कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ है। हम बस इसकी जगह सही करवाना चाहते थे। तू जगह सही कराना चाहता था? बदनाम करेगा हमारी बेटी को? जान से मार डालेगा। लेकिन आपने इसे पकड़ा कैसे? एक लड़का आया था, शिवांश नाम था उसका, तकनी हालत में था। इसने उसके ऊपर भी हमला किया था। उसी ने हमें बताया कि ये लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और उसी ने हमें टिप दी कि ये गोरखपुर बस अड्डे से भाग रहा है। और जब हम गोरखपुर बस अड्डे पहुंचे तब तक ये वहां से जा चुका था। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चला कि इन्हें रामखोली की बस पकड़ी है, और जब हमें ये पता चला कि इन्हें रामखोली की बस ली है, तो हमने आगे लेके थाने को इन्फॉर्म किया कि उसे पकड़ ले। सारी रात वो लड़का खून में लथपथ हमारे पास बैठा रहा, और ये बोलता रहा कि उस लड़की की इज्जत का सवाल है, वरना उस लड़की की बहुत बदनामी होगी। जिसने भी किया है, कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम। कल का आने वाला सवेरा तुम्हारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देगा। अपनी बात का पक्का निकला, जो कहा था उसे पूरा करके ही छोड़ा। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। छोड़िएगा नहीं इसको, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और आप लोग, अब भी कोई सवाल बचा है क्या आप लोगों का? हमने कहा था हमारी घर की बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन आप लोग तो जलती हुई आग में हाथ तापने आए थे। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, हमारी बेटी क्या किसी भी घर की बेटी के संस्कारों पे उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि बेटी सबकी सांझी होती। हेलो, जी हाँ, केस सॉल्व हो गया जी। देखा, चलो से
श्रवणी बिटिया, माफ कर देना हमें, हमने तुम्हें गलत समझा और जो कुछ भी बोला है सच में बहुत बुरा लगा है हमें। कोई बात नहीं आंटी, गलतफहमी हो जाती है। बहन जी, अब पानी पियेंगे? पानी ले आए। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना इतना कुछ नहीं हो पाता। जी ठीक है। छुटकी, आज तो तेरा दिन है ना, मतलब नागपंचमी है ना भैया। सॉरी 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 सॉरी, नाराज हो गई यार, मजाक कर रहा था। छुटकी, मेरे को याद है कि बचपन में कितना मजा आता था, तुम सब लड़कियां अपनी कपड़े की गुड़िया बना के लाते थे और हम सब लड़के डंडे से उसे पीटते थे। हमारी छुटकी हमसे नाराज है। क्या फर्क पड़ता है भैया, आप तो वैसे भी भूल गए कि आपने हमसे कुछ वादा भी किया था। क्या है कि आप तो कहीं और बिजी चल रहे हैं ना आज। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो रहा है ना भैया, वरना बताइए अभी तक हमारा एडमिशन हुआ क्यों नहीं। अगर वादा निभा नहीं सकते ना तो वादा करिएगा भी मत। अरे अरे छुटकी छुटकी छुटकी, तुम्हारे पापा के जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई शिबू। सबको खुश रखने की जिम्मेदारी तुमने खुद उठाई भी थी, तो आज कैसे चुप गए? बेटा नाराज है, थोड़ी देर में मान जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अम्मा सही कह रही है और छुटकी भी, इस घर में आप सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं कैसे भी करके ये वादा निभा कर रहूंगा। बैठो बेटा, हम नाश्ता बना के लाते हैं। मुझे कैसे भी करके वो श्रवणी से बात करनी ही होगी, उसे उसकी सीट छोड़ने के लिए मुझे उससे मनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बार बचा लिया हमने आपको, आज आपका नाम ले लेते तो आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द हमारी जमानत करवाइए। स्वीटी स्वीटी जल्दी आ जाओ, हमें देरी हो रही है, गुड़िया पीटने जाना है ना। दाई जी, श्रवणी बेटा ये फल और चने सब में बांट देना। जी माँ। और ये तुम दोनों की गुड़िया। बेटा हमें अपने बर्ताव के लिए। ताऊ जी भूल जाइए वो सब बातें, हम भी भूल चुके। स्वीटी चलो, देरी हो रही है ना, सब राह देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। अब हम लोग गुड़िया पीटने की शुरुआत करते हैं। लेकिन गुड़िया तो लड़के पीटते हैं ना। हाँ, सारे लड़के कहाँ गए, उनके बिना ये रस्म अधूरी है। लड़के भी तैयार हैं।
शिवांश नाम था उसका। उसी ने हमें बताया कि एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मजनू आराम से बे, चोट लगी है। वही कह रहे हैं भैया जी, गुड़िया से आप पहले ही कुटाई खा चुके हो और अब मत पिट जाना, बस बता रहे हैं हम। दादा बोल रहे हो? अरे भाभी जी से ध्यान हटा के श्रवणी पे ध्यान लगाओ, कैसे भी करके हमको उसकी सीट छीननी है। अबे यार मजनू, तुम बात तो ठीक कह रहे हो यार, जब भी ये मुनिया हमारे आसपास होते है ना, अबे हमारा दिमाग खुल जाता है यार पूरा। चलो चलो, इंतजार किस बात का, गुड़िया पीटने की शुरुआत करते हैं। सब बोलो जय नाग देवता की। जय नाग देवता की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। चलो चलो, अब सब लोग अपने अपने गुड़िया यहाँ रख दो। अरे अरे, सब लोग खड़े क्या है, चलो गुड़िया पीटो। अरे ये तो हमको ही खुल रहा है। बोलो नाग देवता की जय। जैसे आप सबको पता है इस कपड़े की गुड़िया यानी पुत्री को पीटने के पीछे कौन सी कहानी है? बोलो बोलो, मैं बताती हूँ। तो एक बार एक लड़के की दोस्ती एक सांप से हुई और वो सांप और वो लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत गहरे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हो गई उनकी कि कभी सांप को कुछ मुश्किल होती थी तो लड़का बचाता था, और लड़के पे कोई मुश्किल पड़ती थी तो वो सांप उसकी मदद करता था। एक बार सावन में लड़के की बहन पीहर आ रही थी। अब भाई तो सो रहा था, बहन ने देखा कि भाई के पैर के पास एक सांप सो रहा है। बहन डर गई, बहन डर के मारे उस सांप को इतना पीटा कि वो सांप मर गया। और जब भाई उठा तो बहुत परेशान हुआ और बहन से कहा, ये तुमने क्या कर दिया, ये तो मेरा दोस्त था। जब बहन को ये बात पता चली तो बहन बहुत ज्यादा दुखी हो गई, और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव वालों को पता चली। जब गांव वालों को बात पता चली तब उन्होंने कहा, अब तुमने जाने या अनजाने पाप तो किया है, तो सजा तो जरूर मिलेगी। जब भाई को ये बात पता चली तो भाई तड़प उठा। भाई के बहुत विनती करने के बाद ये तय हुआ कि ठीक है, हम एक कपड़े की गुड़िया बनाएं और उस लड़की का नाम लेकर हम उस गुड़िया को पीटें। इसलिए इस गुड़िया पीटने को भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। नाग देवता की जय। काश बंटी भी यहाँ होता तो इस त्योहार का उत्साह दुगना हो जाता। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।